एक बार दो दोस्त बहुत सालों बाद में एक दूसरे से एक रेस्टोरेंट में मिले और फिर वो बहुत सारी पुरानी बातें करने लगे और बातें करते करते वो इस बात पे चर्चा करने लगे कि आज के ज़माने में अच्छे नौकर मिलना कितना मुश्किल है। दोनों ने ये कहा कि मेरे जो नौकर हैं वो बड़े मूर्ख हैं, उनको कुछ भी समझाओ उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो पहले वाले ने कहा नहीं मेरा नौकर ज़्यादा मूर्ख है, तो दूसरे वाले ने कहा नहीं मेरा नौकर ज़्यादा मूर्ख है। तो पहले वाले ने कहा चलो मैं अभी बताता हूँ कि मेरा नौकर कितना मूर्ख है। उसने अपने नौकर को बुलाया और उसको उसने 100 रुपये दिए और उसने कहा जाओ मेरे लिए कार खरीद के ले आओ। उसने कहा जी हुजूर, और वो चला गया। तब उसने कहा देखो कितना मूर्ख है, उसको ये भी नहीं पता कि 100 रुपये में कोई कार नहीं आती है। दूसरे दोस्त ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा नौकर तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। फिर उसने अपने नौकर को बुलाया और उससे कहा जरा घर में देख करके आओ कि मैं क्या वहाँ बैठा हुआ हूँ। उसने कहा जी हुजूर अभी बताता हूँ, और वो तेज़ी से निकल गया। तब इसने अपने दोस्त को कहा देखो ये कितना मूर्ख है, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ उसके बावजूद उसको ये समझ में नहीं आता कि वो घर से जाके चेक करेगा और फिर मुझे बताएगा कि मैं वहाँ बैठा हूँ कि नहीं। तो इस तरीके से दोनों दोस्तों ने बहुत ज़ोर का ठहाका लगाया कि उनके जो नौकर हैं वाकई में बड़े मूर्ख हैं। लेकिन दोस्तों जो मूर्ख होता है वो अपने को मूर्ख नहीं समझता, वो अपने को बड़ा अकलमंद समझता है। तो जब ये दोनों नौकर बाहर निकले तो फिर वो एक दूसरे से बात करने लगे। पहले नौकर ने कहा मेरा जो मालिक है बड़ा मूर्ख है, तो दूसरे ने कहा अरे मेरा तो उससे भी बड़ा मूर्ख है। तो पहले वाले ने कहा देखो उसने मुझे 100 रुपया दिया और मुझसे बोला कि जाके कार खरीद के ले आओ, अरे उसको नहीं पता है कि आज संडे है, आज सब मार्केट बंद रहता है। तो दूसरे वाले ने कहा कि मेरा मालिक तो उससे भी ज़्यादा मूर्ख है, मुझसे कहता है कि घर जाओ और चेक करके आओ कि मैं वहाँ बैठा हूँ कि नहीं। अरे भाई तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, तुम्हारी बीबी के पास एक मोबाइल फ़ोन है, बीबी घर पे रहती है, एक बार फ़ोन करो पता कर लो कि बैठे हो कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो दोनों मूर्ख हैं उन दोनों ने अपने मालिकों को ऊपर बात करके ज़ोर से ठहाका लगाया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सबसे पहली जो सीख मिलती है वो ये है कि जो लोग मूर्ख होते हैं या जिसको दुनिया मूर्ख समझती है वो दरअसल अपने को मूर्ख नहीं समझते, वे अपने को बड़ा अकलमंद समझते हैं। उनके हिसाब से तो दुनिया ही मूर्ख है और हर समझदार व्यक्ति का वो मजाक उड़ाते हैं, उसको मूर्ख समझते हैं। और इस वजह से अगर आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करें तो वो कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरीके से बंद है, वो नई बात को सीखना ही नहीं चाहते। और जब तक आप नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तब तक आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा, और इसी वजह से वो हमेशा मूर्ख ही बने रहते हैं। दूसरा सबक दोस्तों इससे हमें ये भी मिलता है कि हमें जो मूर्ख लोग हैं उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे वाद विवाद करेंगे तो वो आपको अपने ही लेवल पे लेके आएंगे और उसके बाद क्योंकि वो इतने बड़े मूर्ख हैं कि वो मूर्खता में आपको हरा देंगे। तो इस वजह से ऐसे लोगों से दूरी ही बना के रखनी जरूरी है। आप अपना समय व्यर्थ ना करें उनको कन्विंस करने के लिए कि वो गलत हैं आप सही हैं, क्योंकि ये आप कभी नहीं कर पाएंगे। केवल ऐसे लोगों को समझाने की सिखाने की कोशिश करनी चाहिए जो जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। और जो लोग अपने को पहले से ही बहुत अकलमंद समझते हैं चाहे वो जितने बड़े मूर्ख क्यों ना हों, उनके ऊपर हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।